सीतामढ़ी में हजारों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र सप्तदेव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। सात देवों के इस मंदिर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया, जो रात में काफी आकर्षक लग रहा था। इतना ही नहीं, यहां पर द्वारकाधीश की बाल लीलाओं से जुड़ी झांकियों की प्रदर्शन भी लगाई गई थी, जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कोरबा का सप्तदेव मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर विविध आयोजन किए जाते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण दो सालों तक यहाँ आयोजन नहीं हो सके थे, यही वजह है कि इस साल पिछले दो सालों की कसर पूरी कर ली गई। सप्तदेव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जो रात के अंधेरे में काफी खूबसूरत लग रहा था। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित आकर्षक झांकी लगाई गई थी, जिसे देखने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ था। मंदिर के कर्ता धर्ता अशोक मोदी ने बताया कि पिछले 29 सालों से सप्तदेव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और इस साल मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों का रिकॉर्ड भी टूट गया। जो मंदिर बनने बाद से 28 साल हो गए और 29वां जन्माष्टमी उत्सव हुआ। बहुत सुंदर, बहुत भव्य और बहुत शानदार ये कार्यक्रम हुआ, और इतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रही इस साल, क्योंकि जन्म के साथ साथ में भागवत कथा भी हुई और सारे भजन कीर्तन भी चले, और प्रातः से मतलब कृष्ण प्रतियोगिता रही, तो लोगों में अपार उत्साह रहा। और इस बार का उत्साह तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहा। पिछले 28 साल का रिकॉर्ड इस 29वें साल ने तोड़ दिया। इतनी ज़्यादा लोगों में दर्शनार्थी आई, इतनी भीड़ आई, और इतना भगवान के प्रति, धर्म के प्रति लोगों की रुचि आई है, जिसकी मैं शब्दों में कल्पना नहीं कर सकता। सप्तदेव मंदिर में देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। इस दौरान मंदिर में और भी कई तरह के आयोजन हुए, जिसकी जमकर प्रशंसा हुई। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए मनोज यादव के साथ अविनाश प्रसाद।